मद्र प्रदेश बना दिया है, जहां सनसनीखेज अंदाज में माफिया जैसा प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर में हुआ बम और धमाकों की बोली बोलते हैं, पुलिस एनकाउंटर में गोली की बोली बोलती है, फिर माफियाओं की गोली गूंजती है और पूरे देश में इस तरह का दृश्य है जहां उत्तर प्रदेश में कानून नहीं गैंग वॉर चल रहा है। और ऐसा इसलिए है कि प्रदेश की सरकार स्वयं को एक गैंग के रूप में देखती है, सरकार के रूप में नहीं देखती। जब न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है या लोगों को लगता है कि न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तो इसी तरीके से गैंग वॉर हावी होता है। सरकार को इसके ऊपर ठोस जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बना दिया है, जहां सनसनीखेज अंदाज में माफिया जैसा प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर में हुआ बम और धमाकों की बोली बोलते हैं, पुलिस एनकाउंटर में गोली की बोली बोलती है, फिर माफियाओं की गोली गूंजती है और पूरे देश में इस तरह का दृश्य है जहां उत्तर प्रदेश में कानून नहीं गैंग वॉर चल रहा है। और ऐसा इसलिए है कि प्रदेश की सरकार स्वयं को एक गैंग के रूप में देखती है, सरकार के रूप में नहीं देखती। जब न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो जाती है या लोगों को लगता है कि न्यायिक व्यवस्था ध्वस्त हो गई है तो इसी तरीके से गैंग वॉर हावी होता है। सरकार को इसके ऊपर ठोस जवाब देना होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बना दिया है, जहां सनसनीखेज अंदाज में माफिया जैसा प्रयागराज में उमेश पाल मर्डर में हुआ बम और धमाकों की बोली बोलते हैं, पुलिस एनकाउंटर में गोली की बोली बोलती है, फिर माफियाओं की गोली गूंजती है और पूरे देश में इस तरह का दृश्य है जहां उत्तर प्रदेश में कानून नहीं गैंग वॉर चल रहा है। और ऐसा इसलिए है कि प्रदेश की सरकार